हेलो दोस्तों, तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। मैं भी पता है हमें, लेकिन आपको लास्ट में बताएंगे। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये किस चीज़ का पेड़ है जिसे आज हम और प्रिंस यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। तोड़ के इस पे चढ़ेंगे और तो तोड़ेंगे उसके बाद खाएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये किस चीज़ का फल का, इस फल का नाम क्या है। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, पेड़ के ऊपर देख सकते हैं, और आपको नज़दीक से आप दिखलाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ और इसको खाएंगे तोड़ के। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है पेड़ के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य है। लाल लाल भरा हुआ है और खाने में तो मज़ा, इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। पेड़ पे चढ़ के इस तरह का फल, तूत के नाम से ये फल है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत ही मीठा भी है। देख सकते हैं मैं खा रहा हूँ, मेरे साथ प्रिंस भी है और मैं अभी पेड़ के ऊपर हूँ और प्रिंस नीचे है। तो ये एक मेरा ब्लॉग है, आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में तो ज़रूर आप कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मैं पेड़ के ऊपर देख सकते हैं तोड़ तोड़ के मीठा मीठा जो फल है, बहुत ही स्वादिष्ट है और विटामिन दायक यह फल होता है। शहतूत यह साल में एक बार होता है और ये मौसमी फल है। देख सकते हैं कितना सुंदर ये वृक्ष के ऊपर ये छोटा छोटा फल एकदम मोती की तरह लग रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें और मेरे साथ प्रिंस भी है। देख सकते हैं कितना सुंदर ये फल लगा हुआ है, ये शहतूत के पेड़ है और इसमें फल अभी अभी समय है फल तूत होने का और ये पक भी गया है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। हम यहाँ देख सकते हैं प्रिंस ऊपर पेड़ के ऊपर जा रहे हैं और मैं अब नीचे हूँ, और ये पेड़ को चूँकि तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका जो है बहुत दूर में भरा हुआ है फल, और उसे हाथ से तोड़ पाना वो संभव है। तो पेड़ को पूरा हिलाएंगे और नीचे यहाँ पे आपको दिखलाएंगे जिससे ये जो है प्रिंस कुमार चुनू पेड़ को हिला रहे हैं और सारा यहाँ पे जो पका हुआ तूत है वो नीचे यहाँ पे बिछा दिए थे इस तरह का चटाई, क्योंकि बाहर में नहीं गिरे, चटाई पे गिरे, सुंदर से गिरे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंस कुमार कितने आसानी से पेड़ पे चढ़े हैं और वो झुला रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे संख्याओं में तूत जो पके हुए थे और वो गिर गए हैं। देख सकते हैं ये कितना सुंदर ये शहतूत एकदम लाल लाल पका हुआ है और बहुत ही विटामिन दायक और मीठा और स्वादिष्ट यह फल है। तो हमें और प्रिंस को तो मज़ा आया। आपको यहाँ देख सकते हैं प्रिंस नीचे में है, चुन रहे हैं तूत को, और मैं भी यहाँ पे पेड़ के ऊपर से यह वीडियो बना रहा हूँ। अभी ऊपर आए थे हम और प्रिंस नीचे हैं, काफ़ी नज़दीक से आपको दिखला ये तूत का शहतूत। काफ़ी संख्या में यहाँ पे तोड़ लिया हूँ, आपको दिखला दे रहा हूँ, साथ ही साथ अब इसका जो है आप सभी को नाम भी बता दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक थाली यहाँ पे तोड़ लिया हूँ, लगभग 2 से 2.5 किलो है। और चलिए आपको लास्ट में इसका अब नाम भी बता दे रहा हूँ, यह शहतूत है जो कि ये मौसमी फल है, साल में एक बार इस तरह करता है, आप सभी को खाना चाहिए। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में डालें, आपके घर तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बन इसी तरह देखते रहें वीडियो को और मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप सभी को राम नवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।